त्र्यम्बुकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिः वर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनम् मृत्योरुक्षीयमामृतात्। महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर आज भगवान शिव के इस महामंत्र के साथ शिव भूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश के शिव मंदिर गुंजयमान हो रहे हैं। ओम त्र्यम्बुकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिः वर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनम् मृत्योरुक्षीयमामृतात्। छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी जिले में शिवरात्रि पर्व के मौके पर आज राजा माधवराय मंदिर से लेकर बाबा भूतनाथ मंदिर तक तीन स्थानीय देवी देवताओं की लघु जलेब निकाली गई। इस मौके पर उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि शहर की मंगल कामना के लिए विशेष पूजा अर्चना और हवन किया गया। मंडी की शिवरात्रि विशेष रूप में खास है और इस अवसर पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। आज एक भव्य हवन का आयोजन किया गया जिसमें इस शहर के सभी लोगों ने हिस्सा लिया और एक नया प्रयास हमने किया कि इस तरह का सेलिब्रेशन जो महाशिवरात्रि का है उसको हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं और बढ़िया कैसे बना सकते हैं, ज़्यादा लोगों को कैसे शामिल कर सकते हैं, ये हमारा प्रयास रहा। तो बहुत अच्छा शुरुआत है और आने वाले कल से हमारा जो मेला है वो विधिवत तरीके से शुरू होगा। इधर सोलन में एशिया के सबसे ऊंचे जटौली शिव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और श्रद्धालु भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना कर सभी की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। जिस प्रकार से सभी लोग शिवरात्रि को आज भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उन्हें बेलपत्र फूल आदि चढ़ाते हैं, इसी तरह से मैंने भी चढ़ाया है और साथ ही पूजा अर्चना की है मंदिर में आकर के। और अभी जटोली मंदिर आए हैं हम लोग पूजा अर्चना के लिए। भगवान भोलेनाथ की महिमा में हम व्रत रखते हैं हर साल और शिवरात्रि का पर्व यहाँ पे मनाते हैं। जटोली मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है। हम जटोली टेम्पल आए हैं आज शिवरात्रि के महा उपलक्ष्य पे। हम अपनी सारी टीम के साथ आए हैं और हम भोलेनाथ को जल और बेलपत्ती चढ़ा के खुश करेंगे ताकि हमारी सारी सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। सुबह 7 बजे यहाँ पे आए थे, फिर हमने यहाँ मंदिर गुरु महाराज जी का मंदिर है, गुफा है, वहाँ पे माथा टेका, फिर उसके बाद ऊपर जाके यहाँ पे शिवलिंग है, वहाँ पे जाके हमने बेलपत्ती वगैरह भांग वगैरह सभी वहाँ पे चढ़ाया और जितना भी मतलब हम चढ़ाते हैं जितनी हमारी श्रद्धा है उसके अकॉर्डिंग करते। कुल्लू के प्रसिद्ध बिजली महादेव मंदिर में भी इस महापर्व पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। मंदिर के पुजारी गगन शर्मा ने बताया कि शिवरात्रि के महापर्व पर ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग को चौंसर लगाया जाता है जिसमें फूल पाजा बेलपत्र की मालाएं लगाकर सजाया जाता है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु सुबह से ही दूध दही माखन फूल बेलपत्र चढ़ाने के अलावा भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। जो मेन है जो चौंसर जो है जी फूल की माला जो है साल में एक बार लगाई जाती है जी महाशिवरात्रि के दिन ही और ये 24 घंटे के लिए कल सुबह 4 बजे पूजा के बाद निकाली जाएगी ब्रह्म मुहूर्त में। और जो भी श्रद्धालुगण आ रहे हैं यहाँ पर जो उनको मंदिर कमेटी की व्यवस्था से जो उनको उनको लाइनों में दर्शन किए जा रहे हैं अच्छे तरीके से दर्शन हो रहे हैं और बाकी सभी भक्तों पर भोलेनाथ का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और भारी मात्रा में जो है लोग दर्शन के लिए आए। जय भोलेनाथ। देश दुनिया में हिमाचल का नाम शिव भूमि के रूप में भी जाना जाता है और यहाँ कई ऐसे ऐतिहासिक व पौराणिक शिव मंदिर है जिनका इतिहास भगवान शिव की कई लीलाओं को बताता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD News, शिमला।